मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। गाजियाबाद में चर्चित पत्रकार विक्रम जोशी की हत्याकांड के पीछे एक के बाद एक कई खुलासे हुए हैं। आप बता दें, जिस प्रकार से चर्चित विक्रम जोशी हत्याकांड में गुनहगार पकड़ा गया, गुनहगार कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के कुछ शांतिदूत हैं जिन्होंने बीच सड़क पर जघन्य अपराध किया है और लोकतंत्र और मानवता को शर्मसार किया। मैं पूरी खबर दिखाऊंगा, आपको अनुरोध करता हूं इस खबर को आप शेयर करेंगे और शांति दूतों के ऊपर अपनी राय जरूर दीजिए कि शांति दूत किस प्रकार से हमारे देश की बहन बेटियों के लिए घातक साबित होते जा रहे हैं, किस प्रकार से इनकी वजह से हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में पड़ रही है। अगर कोई माता पिता अपनी बेटी की इज्जत की रक्षा करता है तो शांति दूत उसको मौत के घाट उतार देते हैं। चलिए, एक्सक्लूसिव वीडियो है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ खबर को शेयर करें और अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर दें, क्योंकि आज इनकी सच्चाई हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचना बहुत ज़रूरी है, इनकी पोल खोलना बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में दुनिया को जानना भी बहुत ज़रूरी है। गाजियाबाद के विजयनगर में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के बाद अब इस मामले में 9 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें 3 मुख्य आरोपित हैं और 6 उनके साथी हैं। एक आरोपित अब भी फरार है। कुल 10 लोगों के इस मामले में संलिप्तता पाई गई है। आपको बता दें, इन तीनों के जिस प्रकार से 3 आरोपी मुख्य पाए गए हैं, इसमें शांतिदूत भी है, सकीर है और कई नाम हैं, अभी मैं खुलासा करूंगा। जिस प्रकार से आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एनडी चैनल को के अनुसार पुलिस ने बताया कि कमालुद्दीन पुत्र शहनूर मंसूरी के पास से पुलिस ने 315 बोर की एक पिस्टल बरामद की है। इसके अलावा एक जिंदा कारतूस और एक कारतूस भी, खाली खोखा भी बरामद किया गया है। आपके स्क्रीन पर देखिए एक ट्वीट दिख रहा है, ये एक एनआई का ट्वीट है, देखिए स्क्रीन पर, और इस ट्वीट में आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से विक्रम जोशी के भांजे ने बताया है कि पूरा मामला क्या है। सम बॉयज इंक्लूडिंग कमाल उद्दीन सन यूज टू आई टीसिस माई सिस्टर, इट वॉज माई हर बर्थडे वैन इंसिडेंट एक्ट, माई अंकल वॉज कमिंग होम विथ आर वैन, कमालुद्दीन सन्स अटैक्ड हिम्स एंड शॉट हिम, वी विल नॉट एक्सेप्ट माई अंकल बॉडी टिल द मैन एग्रीज टू कॉर्ट, जर्नलिस्ट विक्रम नेफ्यू के भांजे ने आरोप लगाया कि उनकी बहन के इस जन्मदिन पर उसके मामा उसे लेकर घर जा रहे थे, तभी कमालुद्दीन के बेटे ने सिर पर जोर की राड मारी, इससे उसकी बहन नीचे गिर गई। बताएं आपको कि इस प्रकार से एक और ट्वीट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस ट्वीट में देखिए, इसमें लिखा है सम बॉडी इंक्लूडिंग कमालुद्दीन यूज टू आई टीज माई सिस्टर, इट वॉज माई हर बर्थडे वैन इंसिडेंट एक्ट, माई अंकल वॉज कमिंग हम विथ और वैन, कमालुद्दीन सन अटैक्ड, सेम ट्वीट है। वहीं जर्नलिस्ट विक्रम जोशी डेथ केस यूपी पुलिस रिलीज लिस्ट द 10 पर्सन ऑन विच 3 एक्यूज एंड अरेस्टेड वाइल 6 हैव बीन डिटेंड एंड 1 टू एब्सकॉन्डिंग। इसके बाद आरोपियों ने पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी थी। भांजे ने यह भी आरोप लगाया कि पत्रकार को गोली मारने से पहले उसकी जमकर पिटाई की गई, भांजे और बेटी के सामने ही उन्हें मार डाला, उनकी हत्या कर दी गई। मृतक के भांजे ने बताया कि बहन से छेड़छाड़ मामले में उन्होंने पुलिस में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। विक्रम जोशी ने गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पहले तो उनके साथ मारपीट की गई, इसके बाद गोली मारी गई। इस मामले में संबंधित चौकी इंचार्ज को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। यकीनन ऐसी घटनाएं समाज की आंख खोलने के लिए काफ़ी हैं। समाज में आज क्या क्या हो रहा है। विक्रम जोशी का गुनाह इतना था कि उन्होंने अपनी बेटी की, अपनी भांजी की आबरू की रक्षा करने की कोशिश की। दरअसल ये लड़के काफ़ी दिनों से इन लड़कियों को छेड़ रहे थे, और एक दिन ऐसा आया कि विक्रम जोशी अपनी बेटी अपनी भांजी के साथ कहीं मार्केट जा रहे थे। इसी बीच कुछ शांति दूत वहाँ पर आते हैं और लगभग उनकी संख्या 10 के आसपास होती है। वो आते ही लड़कियों को छेड़ना शुरू कर देते हैं।
जब लड़की जब लड़कियों को छेड़ते हैं तो विक्रम जोशी विरोध करते हैं। विक्रम जोशी का जब इसे विरोध करते हैं, विक्रम जोशी के विरोध करने के बाद लड़के जो हैं जो बदमाश हैं वो विक्रम जोशी से मारपीट करते हैं। मारपीट से पेट नहीं भरता तो उनके सीने में गोली दाग देते हैं और विक्रम जोशी वहीं पर माफ़ कीजिएगा विक्रम जोशी घायल होते हैं। उनको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ देते हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर में हमारे देश के इन मंचलों का, इन शांति दूतों का, इन शांति दूतों को कानून का डर क्यों नहीं है? कैसे किसी की बहन बेटी को बीच सड़क पर छेड़ दिया जाता है और कैसे समाज हमारा तमाशाबीन होकर देखता है? एक बड़ा सवाल है कि जब विक्रम जोशी की हत्या की जा रही थी, जब विक्रम जोशी से मारपीट की जा रही थी, क्या वहाँ पर लोग नहीं थे? बीच चौराहे पर यह सब होता है और लोग तमाशा बनकर देखते हैं और यही लोग बाद में सोशल मीडिया पर सरकार को, कानून को, पुलिस को दोषी ठहराते हैं। कहते हैं कि पुलिस निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, प्रशासन निकम्मा है। सबसे बड़े निकम्मे तो वो लोग हैं जिन्होंने जो पूरा मामला अपनी आंखों से देखते हैं। नस मंत्री लड़के भी सड़क पर किसी की हत्या कर देते हैं और वहां पर खड़े हुए 40-50 लोग तमाशा बीन होकर देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटो शूट करते हैं, फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं कि देखिए कैसे इस दिन दहाड़े किसी की हत्या की जा रही है, सरकार निकम्मी है, कानून निकम्मा है। आज विक्रम जोशी की हत्या हुई, चर्चित पत्रकार हैं, पत्रकारों की इज्जत नहीं है, पत्रकारों को बेखौफ गोली मारी जा रही है, तो समझ सकते हैं कि आम लोगों के लिए किस प्रकार से आम लोग किस प्रकार से असुरक्षित महसूस करते होंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय जो जंगल राज बना हुआ है वो यकीनन इसलिए बना हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे कानून में कुछ कमियां हैं, इसलिए नहीं बना हुआ है कि हमारे सरकार में कुछ कमियां हैं। सरकार तो इतनी सख्त है, सरकार तो इस तरीके से कहती है कि अगर किसी ने प्रदेश में आगजनी करने की कोशिश की, दबंगई करने की कोशिश की, गुंडई करने की कोशिश की तो उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाएगी। अगर किसी देश का सीएम इस प्रकार के बयान देता होता समझ सकते हैं कि वो कितना सख्त है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने यहाँ जो संविधान है उससे वो मार खा जाता है। ऐसे मंचलों को बीच सड़क पर गोली मार देनी चाहिए, ऐसे मंचलों को बीच सड़क पर फांसी लगा देनी चाहिए ताकि इनकी वीडियो देखकर, इनकी फांसी सजा देखकर कोई भी मंचला किसी बहन बेटी को छेड़े ना। लगातार ये घटनाएं हो रही हैं कि लोग लड़कियों को उठा ले जाते हैं, उनके साथ रेप किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये घटनाएं आज देश में घट रही हैं। इसके पीछे की वजह है हमारे देश का संविधान। संविधान को मजबूत करना पड़ेगा तभी देश में इन शांति दूतों को, अब्दुल्ला मोहम्मद रसूल जैसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि ये लोग बदतमीजी से लेकर हत्याओं तक ये करने से परहेज नहीं करते हैं। दिन दहाड़े किसी को गोली मार देना, दिन दहाड़े किसी को काट देना, मार देना, ये इनका पेशा बन चुका है। ऐसे लोगों के लिए अलग कानून बनाना चाहिए ताकि शांति दूत हमारे यहाँ के जो अपने आप को शांति दूत कहते हैं, इन शांति दूतों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या राय रखते हैं। ऐसी वीडियोज जब आपके सामने आए तो उस पर अपनी राय दीजिए। वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को खत्म करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली न्यूज ग्रुप में आप सभी का, ये जो हम एक कंपेनिंग लेकर आए हैं, इस कंपेनिंग में इस 5 अगस्त को हम सब मनाएंगे दिवाली, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम को जो हमारे पूरे 130 करोड़ देशवासियों के इष्ट देवता है,
जी हाँ साहब, 130 करोड़ देशवासियों में हमें पता है 110 करोड़ हिंदू है, लेकिन सबके इष्ट देव भगवान श्री राम है, ये चाहे कोई माने या ना माने, 110 करोड़ तो मानते हैं। तो इस 5 अगस्त को भगवान राम के जन्मभूमि पर, वहां पर होगा शिलान्यास और प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास और प्रधानमंत्री मोदी उसका शिलान्यास करेंगे। तो इस 5 अगस्त को हम सबको मनानी है दिवाली। जी हाँ, अब की बार भगवान राम का आगमन उनके रियल लाइफ में तो 14 वर्ष में हुआ था, लेकिन सैकड़ों सदियों लग गई और भगवान राम वापस आ रहे हैं इस 5 अगस्त को अपने घर वापस अयोध्या। तो आप सबसे निवेदन है, अब की बार आप 5 अगस्त को हर घर में दिवाली मनाएंगे, हर घर में पटाखे फूटेंगे और हर घर में दीपक जलेंगे, लड़ियां सजा दीजिए, पूरे देश को सजा दीजिए, घर को सजाइए। हम आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस 5 अगस्त को हर घर में दिवाली मननी चाहिए। इस वीडियो को हर फोन तक पहुंचा दीजिए, शेयर करिए और 5 अगस्त को भव्य सेलिब्रेशन हर घर में होना चाहिए। 110 करोड़ हिंदुओं के आस्था के जो प्रतीक है भगवान श्री राम, 130 करोड़ देशवासियों में हर कोई का कहीं ना कहीं जो उनका आज अस्तित्व है भगवान श्री राम के नाम की वजह से है, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो। तो चलिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।